बस चुप ओके शिमला रूप में शिमला क्या वाइट किया है अरे प्रकम भाई माइक ही नहीं है दूसरी साइड हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और लगभग 14 किलोमीटर का दूसरा तो पहला रोपवे है वो बता रहे हैं 34 किलोमीटर लंबा है आपास का और लेकिन हिंदुस्तान का ये एक अनूठा रोपवे है शिमला वैष्णो देवी इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त स्थान है और सारी दुनिया को शिमला के बारे में पता है दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो प्रणाली है अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही है इसलिए हमें अल्टरनेट मोड पे जाना है तो इसलिए शिमला में हम करार हमारा हो गया है बैंक के साथ से हमारी नेगोशिएशन हो रही है और हिमाचल सरकार दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं और केंद्र सरकार की भी सारी अनुमतियाँ जो है इस अपना पर है प्रदेश की भी सारी अपना पर है तो इसलिए अब जो विश्व की बड़ी कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हम टेंडर फाइनलाइज करने की स्थिति में पहुंच पाएंगे लक्ष्य कब तक रखा है सर इसको पूरा करने का देखिए बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और चार साल का तो है लेकिन इसका जो आधा जो प्रोजेक्ट है हम कोशिश करेंगे 2 साल के अंदर इसको बना के तैयार करें और पब्लिक को जो है सहूलियत का मिल सके और इसके अलावा भी हमारा कुल्लू का बिजली महादेव का प्रोजेक्ट वो भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा है और वो भी बहुत ही आकर्षक प्रोजेक्ट है देवभूमि में ये मतलब हिमाचल प्रदेश है और इसके जो मंदिरों को जाने वाले प्रोजेक्ट हैं चाहे बाबा बालकनाथ का है चाहे शिव मंदिर जी का है चाहे बंगलामुखी जी का है चाहे जाकू का है ये सारे आकर्षण बन रहे हैं तो सरकार प्राथमिकता दे रही है सरकार हर तरह सहयोग दे रही है रोपवे कॉरपोरेशन जो हमारे यहाँ पे स्थापित है मुझे तो लगता है कि शायद बाकी जगह कहीं पे भी रोपवे कॉरपोरेशन नहीं होगी हमारे रोपवे कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय गुप्ता जी हैं हमारे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इससे जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छा काम इसमें हो रहा है और हमें लगता है कि हम देश को रास्ता दिखा पाएंगे रोपवे की दुनिया में ये उसके बाद दूसरा संसार का और हिंदुस्तान का पहला रोपवे प्रोजेक्ट है और अभी देवभूमि है तो ये सिरे चढ़ गया सर टूरिज्म और कंजेशन से भी राहत मिलेगी शिमला में इसको लेकिन जो हमारे यहाँ को जो हमारी आबादी है उसको ही अपने गंतव्य स्थलों पे पहुँचाना घरों में पहुँचाना दफ्तरों में पहुँचाना वर्किंग प्लेस पे पहुँचाना तो ये ट्रांसपोर्ट रोपवे है और फिर जो शिमला में जितना भी सामान आता है उसको दुकानों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पहुँचाना ये सारा इसमें है सारे अपने स्टेशन देख लिए कि सारा देवी से शुरू होके हमारे बस अड्डे तक काफ़ी स्टेशन इसमें है और ट्रॉली भी अपने आप में बहुत ही अनूठा और आकर्षक प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि इसको जितनी गति दे सकें
सर आर्थिक बोझ, इसके आर्थिक बोझ की बात सर, दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनाने की बात भी हिमाचल में कही गई थी, उस पर क्या विचार विमर्श चल रहा है? लेकिन कालका शिमला का जो रोप वे है उसमें भी अध्ययन चल रहा है, स्टडी चल रही है। अगर किसी स्टेट पे फाइनलाइज होता है तो कोई प्रमोटर मिल जाता है या फिर वो सरकार का लंबा हो सकता है, लेकिन अभी तो ये हिंदुस्तान का नंबर वन बन जाए, हमें इसी पे बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे बन रहा है, उस मीटिंग में आके आपके